उसके बाद फिर अब मैं आता हूं कि आपका प्रिपरेशन कितना काम करने का, आपका ये 4 से 6 बजे तक का टाइम चला जाएगा, 2 घंटे। 6 बजे के बाद मैं रूटीन मार्ग में आपको मैं बताऊंगा। पहले आपका जो प्रिपरेशन है दो बड़े सेगमेंट में डिवाइड होगा, दो बड़े बड़े सेगमेंट में डिवाइड होगा। पहला सेगमेंट आपका है वो है कि आपका जो टेक्स्ट, जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसका टेक्स्ट आप बाजार में उपलब्ध है, नेट से आप निकाल सकते हैं। अगर पटना में, अभी तो आप लोग बाहर हैं लेकिन पटना में तो हम देखते हैं काफी, या फिर आप चाहिए तो अमेजोन से मंगा सकते हैं, बस अभी वो भी अमेजन ऑनलाइन आपको दे देगा, अपने घर पर आपका पहुंचा देगा किताब सब। बहुत सारी किताबें हैं जो प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस कर रही हैं, तो ये आप जो है सो टेक्स्ट पढ़िए। अभी आप मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये बीपीएससी के लिए भी लागू हो जाएगा। अगर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी 4 अक्टूबर का वो आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन, 4 अक्टूबर, तो आपके लिए क्या समय, बहुत कम समय बचा। और मैं समझता हूँ कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, मैं जहां तक मुझे ये मानकर आप चलिए कि नवंबर में वो हो जाएगा, एक ही महीना आगे वो ले जाएगा। अगर अगर मान लीजिए इलेक्शंस बिहार के होने लगते हैं तब हो सकता है दिसंबर चला जाए, अगर इलेक्शंस नहीं हो पाया तो नवंबर में ले लेगा। इन बिटवीन मतलब आप ये मान के चलिए कि मेरा नवंबर में बीपीएससी का प्रीलिम्स होने जा रहा है, तो पहले तो आपको प्रीलिम्स में ही फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स निकले पर आप सक्सेसफुल होंगे तभी ना मेंस देंगे। तो अभी पूरा आपका जो भी है पूरा फोकस प्रीलिम्स में होना चाहिए। तो अभी हम यूपीएससी के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपके लिए लगभग 75 डेज है, कुछ ज्यादा, एक आध सप्ताह। अभी आज कौन सी तारीख है, आज 9 तारीख है, और 15 जुलाई से अगर आप चलते हैं इस रूटीन पर, या अभी से कर लेते हैं कुछ ज्यादा समय मिल जाएगा, लेकिन यह 75 डेज प्लान है यूपीएससी का। तो दो भाग में डिवाइडेड है, एक तो है कि आप टेक्स्ट जो है पढ़िए, सिलेबस आपको डिटेल सिलेबस आपके पास है कि नहीं प्रीलिम्स का, क्योंकि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या है कि वो डिटेल सिलेबस शायद उसमें नहीं दिया है, वो अलग से भी उपलब्ध है, मेरे पास है वो, मैं कभी चाहूँ तो उसको शेयर भी कर दूंगा। आप जो भी इसका सिलेबस है, हर चीज का अलग अलग है पार्ट में, तो सिलेबस पर मैं बाद में आऊंगा, आज मैं सिलेबस पर नहीं आ रहा, बस मेरा कहना ये है कि आप रूटीन में क्या करेंगे। तो अभी 15 जुलाई से लेकर के आप 31 अगस्त तक का जो 1.5 महीने का वक्त है, जो समय है, उसमें केवल टेक्स्ट पढ़िए आप, उसी में आप डिवाइड कर दीजिए कितना दिन आप लेंगे, बाद में मैं इस पर फिर बताऊंगा आपको, उसको डिवाइड कर दीजिए कितना दिन किसमें आप लेंगे, लेकिन 1.5 महीना बिल्कुल आप टेक्स्ट पढ़िए। तो टेक्स्ट जब पढ़ते हैं रोज रोज का आपका होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव सेट भी आप सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव सेट उपलब्ध है, अवेलेबल है, जो आपके लिए प्रीलिम्स का होगा। इसमें दो भाग है ना, एक तो वो भाग है जिसमें आपके आपके मेरिट लिस्ट जिसके आधार पर बनेगा, उसमें शायद 2 घंटे का होता है मेरिट लिस्ट उसका बनेगा। दूसरा है सीएसएटी, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपको 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आप ऐसा करें कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट का आप रोज उसको सॉल्व कीजिए, और साथ साथ उसको आप छोड़िए मत, जब टेस्ट पढ़ रहे हैं तो साथ साथ उसको भी कीजिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट को भी कीजिए, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए कि आज ये करेंगे जो जिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा 100, उसमें 100 स्टार रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, और दूसरा एक सी एस ए टी है, अल्टरनेट डे में आप उसको करते रहिए, क्योंकि सी एस ए टी में तो इम्पोर्टेंट है, उसमें तो आपको क्वालिफाई करना ही है 33%, तो पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। दोनों आप कीजिए, दोनों पर ध्यान दीजिए, ये दोनों कीजिए। उसके बाद फिर आपका है, ये दोनों आपने कर लिया, अब मैं आ रहा हूं कि कितने से कितने बजे तक आप क्या कीजिएगा।
टाइम 6 बजे तक मैंने आपको बताया था रूटीन, सुबह वाला 6 बजे तक का टाइम। अब आपका 6:30 से आप फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए, और 6:30 से लेकर के 9:30 तक, यानी 3 घंटा 3 आवर्स तक आप टेक्स्ट रीडिंग कीजिए, और उसके बाद उसी में आप समय वक्त निकाल करके आप हिंदू पेपर पढ़िए। हिंदू पेपर बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए हिंदू जरूर पढ़िए आप। तो उसी में एक टाइम निकाल लीजिए कि इतना हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, और हिंदू में पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय दीजिए। तो इस 3 घंटे के दौरान आप टेक्स्ट पढ़िए और हिंदू पेपर पढ़िए, और 10:30 बजे से लेकर के यानी 10:30 से लेकर के 12:30 तक एक सेट जो है ऑब्जेक्टिव का वो आप बनाइए, 2 घंटे एक सेट उठाइए और पीसफुल माइंड से उसको बनाइए, अच्छे ढंग से आप बनाइए उसको, 2 घंटा एक समय दीजिए। एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपने कर लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टेक्स्ट का अगर पढ़ रहे हैं 1.5 महीने तक, तो उसमें ऑब्जेक्टिव को आप भूलिए मत, उसको भी आप साथ साथ करते रहिए। उसके बाद 10:30 से 12 बीच में एक चीज छूट गया आपसे, 9:30 बजे से 10:30 बजे तक का टाइम, हमने 9:30 बजे तक का टाइम बताया था, 6:30 से 9:30 बजे तक का, 6:30 to 9:30, लेकिन 9:30 से आप फिर क्या है 10:30 तक का 1 घंटे का टाइम जो है उसमें कुछ मत कीजिए। आप जो आप हल्का फुल्का जो खाना चाहते हैं, टी कॉफी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लीजिए, बल्कि ब्रेकफास्ट तो आपने लिया नहीं, तो 9:30 से 10:30 का जो समय है उसमें आप ब्रेकफास्ट लीजिए, ब्रेकफास्ट ले लीजिए और थोड़ा रेस्ट भी कीजिए, दोनों चीज हो जाएगा 1 घंटे में। फिर आप 10:30 से 12:30 का मैंने बताया कि आप उसमें एक ऑब्जेक्टिव सेट बनाइए 2 घंटे में, और फिर बीच में आप 12:30 के बाद थोड़ा आप उठ करके थोड़ा अगर चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं थोड़ा वो कॉफी ले लीजिए, तो उसमें 1/2 घंटे का समय है, और उसके बाद कितना बच गया आपका 1 बज गया, 1 से फिर आप बढ़ जाइए, फिर टेक्स्ट कीजिए करीब करीब आप 2 घंटे का समय आप बताइए, 1 से 2:30 बजे तक का समय आप टेक्स्ट पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए, उसके बाद आप फिर लंच ब्रेक आपका हो जाएगा। कितना बजा 2:30 बजे तक का आपको मैंने बताया, 2:30 से 3 आधे घंटे में लंच कर दीजिए, और उसके बाद हल्का फुल्का रेस्ट लेके 15 मिनट और रेस्ट ले लीजिए, और फिर उसके बाद फिर आप लंच ब्रेक करके खाना खा कर खाना खाने के बाद आप उसके बाद फिर आप टेक्स्ट रीडिंग कीजिए। आपको एक है 3 बजे से आपका यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा उसमें बदलाव करके आप 3 बजे तक यह कर लीजिए, 3 बजे तक आपका तो हो जाएगा लंच, और 3 बजे से आपका फिर 5 बजे तक का आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, और ऑनलाइन क्लास अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो उसमें टेक्स्ट रीडिंग कीजिए, टेक्स्ट पढ़िए, और फिर 5 से 6 बजे तक का जो टाइम है 5 से 6 जब आपका ऑनलाइन क्लास टेक्स्ट ट्रेनिंग आप कर लेते हैं तो आप उसमें थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उस पर रिलैक्स कीजिए, आप टहलने चल जाइए 1 घंटा टहलिए, उसको कहते हैं इवनिंग स्क्रॉल आप कीजिए, या आपको फिर उसमें आप थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, शाम में भी आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि दिन भर का जो भी थकान है जो भी आपने इधर उधर दिमाग बात आ गई दिमाग में वो सब दूर हो जाएगा, मेडिटेशन कीजिएगा ना 20-25 मिनट्स, उसमें सब आपका प्रॉब्लम ये सब दूर हो जाएगा, फिर आप शांति आपको मिलेगी, दिमाग शांत होगा, हाँ तो आप भी उसमें फिर फोकस कर पाएंगे। समय फिर 5 ही मिनट है कल, फिर आप लोग फिर कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। तो 5 से 6 आपको मैंने बताया इवनिंग स्क्रॉल और मेडिटेशन उसमें कीजिएगा, और 6 से 7 फिर आप टेक्स्ट रीडिंग कीजिए, 6 से 7
या टेक्स रीडिंग या अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप राज्यसभा टीवी देखिए, राज्यसभा टीवी आप देख सकते हैं, उसमें आप टाइम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको देखिए कितने बजे आपसे संबंधित प्रोग्राम जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड प्रोग्राम सब आता रहता है, उसमें करंट इवेंट्स वगैरह काफी आता है, कुछ कुछ चीजों पर काफी डिस्कशन भी होता है, उसमें पैनल डिस्कशन भी होता है, तो बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए राज्यसभा की देखिए। और 7 से 8 बजे के बीच में अपना डिनर ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं डिनर पहले लीजिए, अगर आप 12 बजे रात तक भी आप पढ़ना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप डिनर पहले लीजिए, क्योंकि और डिनर क्या है, हल्का डिनर लीजिए, बहुत हैवी डिनर मत लीजिए, क्योंकि आप कभी भी गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, बहुत ज्यादा गरिष्ठ है हैवी फूड है वो सब मत खाइए, बहुत हल्का डिनर लीजिए, लेकिन भरपेट भी खाइए, ऐसा नहीं कि आप आधा पेट खा के रह गए, ऐसी बात नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत रिच चीज मत खाइए, रिच जो डाइट होता है आप डिनर में कभी नहीं लेना चाहिए, वही बात नहीं हुई, जब आप गाड़ी को आप पार्क करने जा रहे हैं तो उसमें आपने पेट्रोल भरा दिया, टंकी फुल कर दिया, जबकि उसका कोई जरूरत नहीं रहता है रात के समय में, तो हल्का आप खाना खाइए, हल्का खाना खाइएगा तो आप ठीक से पढ़ पाइएगा, माइंड आपका एक्टिव होगा, नहीं तो फिर माइंड सो जाएगा, ज्यादा हैवी खाने से माइंड क्या होता है सोने लगता है, आपके एक्टिव माइंड नहीं रहेगा, माइंड में पीस नहीं हो पाएगा, तो हल्का खाना खाइए। डिनर ले लिया आपने, डिनर लेने के बाद आप क्या कीजिए, आपका मेरा तो प्लान दूसरा है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ मेरा प्लान तो भाई दूसरा है कि 8 से 9 आप फिर जो है टेक्स्ट रीडिंग कीजिए, टेक्स्ट रीडिंग कीजिए या फिर राज्यसभा टीवी देखिए, लोग जो ही देखना है, और या टेक्स्ट रीडिंग कीजिए, और 9 से 9:30 बजे के बीच में आप सोने चले जाइए बस। बहुत लोगों को सारे मेरा मेरी ये बात ठीक नहीं लग रही, इतना सवेरे कैसे सो जाए, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये बहुत जरूरी है आपके लिए सवेरे सोना, रात तक कुछ लोगों को हो सकता है कि 12 बजे रात तक पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए 12 बजे रात, लेकिन तब आपके रूटीन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप मेरे इस रूटीन में थोड़ा चेंज कर देंगे, लेकिन 6 बजे आपको उठना पड़ेगा, मेरे रूटीन में क्या है आपके साथ करीब करीब 6:30 to 7 hours का स्लीप है मेरे रूटीन में, हम क्योंकि इस पर देते हैं कि आप जितना अच्छा आप अधिक अच्छा साउंड स्लीप लेंगे तो आपका माइंड भी बहुत हेल्दी रहेगा और एक्टिव माइंड रहेगा, तो आप मेरे हिसाब से 9 से 9:30 के बीच में आप सो जाइए। तो ये तो हो गया आपका 31 अगस्त तक का रूटीन, बस 31 अगस्त तक आइए, इसको फॉलो कीजिए, आप देखिएगा इसको फॉलो करने में आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, आपको लगेगा हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं, और हर दिन जब आपका अच्छा बीतेगा तो आपको और भी आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप बिखर जाइएगा, है ना, आप सोचिएगा इतना वास्ट रुटी है, सिलेबस है, ये है वो है, अब क्या बिखर जाइएगा, तो आप कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप हर दिन आप अच्छा बनाइए और एवरी डे इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, व्हेन यू अवेक इन द मॉर्निंग ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि आप आज मतलब मेरा दिन आज कितना हमने काम किया है, अभी तक हम कितना कदम आगे बढ़े हैं अपने गोल के तरफ, और आज मुझे क्या करना है, हर दिन आप सुबह में सोचिए।